अलखिदमत कराची के अर्फन कैरियर प्रोग्राम के तहत 2200 बाहिमत यतीम की शॉपिंग प्रोग्राम का चौथा रोज जनाब अब्दुल रजाक मारूफ साबिक क्रिकेटर कौमी क्रिकेट टीम और जनाब नवीद अली बेग चीफ एग्जीक्यूटिव अलखिदमत कराची व मारूफ स्पोर्ट जर्नलिस्ट सैयद याह्या हुसैनी डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ के प्रेसिडेंट यूसफ डायरेक्टर प्रोग्राम यूसफ मुहिद्दीन काजी सदरुद्दीन की चेज वैल्यू शॉपिंग सेंटर राशिद मिनहास रोड पर बच्चों से मुलाकात मीडिया से खसूसी गुफ्तगू। ये एक बड़ा खसूसी मौका होता है, ईद का मौका होता है और हमारे और आपके बच्चे अपनी मर्जी की चीज़ें बाजार में जाके खरीदते हैं, तो हमने सोचा कि इन बच्चों को भी वो मौका मैसर आना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से अपनी मंशा से अपने कपड़े अपने जूते अपनी दीगर चीज़ें खुद चूज़ करें खुद ख़रीदें और वो खुशी जो दरअसल ईद की खुशी होती है वो इनको भी मैसर हो। और मैं इस वजह से कि उनके बाप का साया उनके सर पर मौजूद नहीं है, उनके घर में कमाने वाला मौजूद नहीं है, मैं इस वजह से वो इस खुशी से महरूम ना रह सकें। मुझे बहुत खुशी है कि आज पाकिस्तान के मायानाज क्रिकेटर जनाब अब्दुल रज़ाक साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, सैयद याह्या हुसैनी साहब जो मारूफ मुल्क के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ के हमारे प्रेसिडेंट मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यूसुफ मोहिउद्दीन साहब जो इस प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं ऑर्फन फैमिली सपोर्ट के वो यहाँ मौजूद हैं, काजी सदरुद्दीन साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि अभी आपने अब्दुल रज़ाक साहब ने और याह्या भाई ने बच्चों से इंटरमिंगल भी होकर के देखा और ये सारा प्रोसेस देखा, इसके बारे में अपनी राय का इजहार करें।